कख ना रवे ना गोरे ना, पहला सड़ा जवान मुंडा खराब किया, हूं साढ़े बाबे भी खराब कर देते। तो भाई साहब जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि अपने हमारे भाई की गोरी चुमी आजकल काफी हिट है, तो लगे हाथों हम भी इस पर थोड़ी रोशनी डाल ही लेते हैं। तो जैसा कि नेटफ्लिक्स की सीरीज दिख रहा हूं, उनके सीजन 5 में अपने हमारे भाई लेडी डियाना के आशिक का रोल कर रहे हैं। तो गोरों की फिल्म हो और इसमें चुमी ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो हुमायूं ने इसमें लेडी डियाना के आशिक का किरदार अदा किया है और इस दौरान इनका एक सीन काफी ज्यादा वायरल हुआ और जैसे ही स्क्रीन पर चला तो तबाही ही मच गई। एक तो वो पाकिस्तानी हो और इसकी कोई ऐसी चीज आ जाए और वो वायरल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस सीन ने भी काफी धूम मचाई है और कुछ बर्गर बच्चों का कहना है कि अरे वो हॉलीवुड में काम कर रहा है, इतने बड़े शो का हिस्सा है, लेडी डियाना का आशिक बना है, तो किस नहीं करेगा, तो क्या शुक्राने के नफल अदा करेगा। जबकि देसी लोगों का कहना है कि चीप लोगों की चीप हरकतें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो कुछ का कहना है कि गंदी कौम अब चीखना शुरू कर दे, वैसे तो खुद हर गलत काम करती है, तब कोई मसला नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा डैश चीजें देखने वाली कौम को एक चुम्मी से तकलीफ है। तो वहीं कुछ का कहना था कि ये गलत है, ना हमारा मजहब और ना हमारी हलाकियात इस चीज की इजाजत देती है। इससे पहले भी हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमायूं मीरा मावरा इस तरह के बोल्ड सीन बॉलीवुड में कर चुकी है, तो फिर अहद और हुमायूं की दफा इतना शोर क्यों? तो देखो भाई साहब, सब लोग ही गलत हैं, वैसे भी हम जो मर्जी कह लें, करनी इन्होंने अपनी मर्जी है, तो कोई फायदा नहीं अपनी जबान बंद करने का। पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस और अब अहद और हुमायूं की बारी है, तो इसलिए अपनी जबानों को सीख कर बैठ जाएं, क्योंकि जब उसकी बीवी को कोई मसला नहीं तो हमें भी नहीं होना चाहिए। तो अब जिसने भी द क्राउन नहीं देखा होगा वो जाके द क्राउन जरूर देखेगा कि अगली चुम्मी कब आती है हुमायूं सईद की। तो आप लोगों की इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।